नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है यहां पे 8 अप्रैल और शुरू करते हैं 8 अप्रैल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। मेरे साथियों, कल आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भी हाल ही में यहां पे डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो उसका सही आंसर विराट कोहली को। यस, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पे आगामी वित्त वर्ष के आने वाली यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जो यहाँ पे ग्रोथ रेट है, जो यहाँ पे आर्थिक विकास दर है, वो कितनी रहने का अनुमान लगाया है। इसका सही आंसर है 12.5%। यस, तो यहाँ पे कल देखिए IMF के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि आगामी वर्ष के लिए भारत की इस बार जो ग्रोथ रेट है वो 12.5% रहने वाली है। ये अनुमान है, माइट भी ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। आपको बता दूं, अगर हम बात करते हैं IMF के बारे में, डेट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो मुख्यालय पड़ता है, मेरे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कहां पर है? Washington DC में है और 27 दिसंबर 1945 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था और गीता गोपीनाथ यहां पे चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, जो अभी रिसेंटली यहां पे चुनी गई हैं। अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कहीं ना कहीं GDP की जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में एस्टिमेशन देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल SBI का कहना है कि फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 11% रहने वाली है। IMF का मानना है 12.5% का। इंडियाज रेटिंग्स एंड रिसर्च का मानना है 10.4% का। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का मानना है 10% का। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मानना है 5% का। HSBC इसका मानना है 11.2% और यहाँ पे मूडी जो संस्था है इसका मानना है देखिए 13.7%। आपको बता दूं कि कल ही यहाँ पे RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को इस ईयर के लिए जारी किया है और जिसमें बहुत सारे रेट्स हैं जो जारी कर दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो वर्तमान के लिए हम बात करते हैं, तो जो रेपो रेट है वो कितने यहाँ पे 4% है, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, MSF की जब बात करते हैं माफ कीजिएगा तो 4.25% है, बैंक रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4.25%, यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो डेट इज CRR ये है कितनी 3.5% और SLR यहाँ पे 18% का। देखिए बैंकिंग प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये रेट्स जानना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फॉर बीइंग ऐसे इंडिविजुअल और आपको ऐसे स्टूडेंट ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहाँ पर यहाँ पे एक सोलर प्रोजेक्ट जो लेह में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो कितने मेगावाट का इस्टेब्लिश किया जाने वाला है, तो इसका सही आंसर पे 50 मेगावाट का। यस, तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पे 50 मेगावाट का जो एक सोलर प्रोजेक्ट है वो लेह में स्थापित करने वाली है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे लेह हिल काउंसिल और यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया और जिसमें कहा गया कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन यहाँ पे 50 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट है जो एस्टैब्लिश करने वाली कहां पे, तारू में, और ये तारू पड़ता है कहां पे, लेह जिले में। यस, लेह जिले में। पूरा का पूरा आर्टिकल है जो AIR के द्वारा पे देखिए कवर किया गया है, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के द्वारा पे कवर किया गया है। मेरे साथियों आपको बता दूं, गुजरात के अंदर यहां पे 30 है लेकिन 33 की कैपेसिटी बन सकती है, तो 33 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्क है एस्टैब्लिश करने की परियोजना भी है गुजरात में, वो लेह से अलग है थोड़ा सा। अब ये जो सोलर पैनल्स है ना, ये रिन्यूएबल है, मतलब मैंने इसे बार बार यहाँ पे एनर्जीज बनाई जा सकती हैं और सोलर लाइट पे काम करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्लांट वो एस्टैब्लिश हो रहा है, तो इसके जो यहाँ पे अगर बात की जाए, प्रवीण कुमार देखिए चेयरपर्सन है, जतिन नाथ यहाँ पे स्वयं MD है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अधीन ये काम करता है। बात कर रहे हैं लद्दाख की, जहाँ पे ये प्लांट को एस्टैब्लिश किया जाएगा। लद्दाख आप जानते हैं ये 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और इसकी दो यहाँ पे देखिए कैपिटल्स हैं, लेह कारगिल, यहाँ पे श्री राधा कृष्ण माथुर जी के LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगर हम बात करें कि लद्दाख फेमस अपने बहुत सारे क्षेत्रों के लिए, आपको बता दूं कि लद्दाख एक ऐसे एरिया में आता है जो पार हिमालयस में है, ट्रांस हिमालयस में है। ट्रांस हिमालय हिमालय की वो पोर्शन है जिनका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। यस, हिमालय के निर्माण से पहले जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है या जो क्षेत्र पड़ता है उसे बोलते हैं पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वहां पर 3 पर्वतमालाएं देखने को मिल सकती है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भारत का शीत मरुस्थल भी कहते हैं। यस, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं यहां पर लद्दाख रीजन को, बहुत ठंडा क्षेत्र है और यहाँ की जो सड़कें हैं, आप जानते हैं कि लद्दाख तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। लद्दाख के अंदर बहुत ही फेमस हिल भी है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक हिल, जो यहाँ पे अपने आसपास से गुजरने वाले जो वायुयान है या जो गाड़ी है उन्हें अपनी तरफ खींचती भी है। मैग्नेटिक हिल तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप जाइए, मैं तो जा चुका हूँ यहाँ पे 2-3 बार। चलिए
तो यहाँ पे आपको बता दूं कि लद्दाख के रीजन में ही भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसका नाम है हेमिसाई नेशनल पार्क, जिसे 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था। और आपको बता दूं कि लद्दाख के एरिया से ही भारत की बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, जिसका नाम है इंडस रिवर। और यहाँ पे इंडस रिवर की मैं बात कर रहा हूँ, सिंधु नदी की मैं बात कर रहा हूँ, और विश्व की प्राचीनतम सबसे विकसित सभ्यता का जो जन्म हुआ था मेरे साथियों, वो इसी नदी किनारे हुआ था। तो जो इंडस रिवर है ये निकलती है चाइना तिब्बत के एरिया से, बुखार जो ग्लेशियर पड़ता है वहां पे, वहां से जाती है कहां पे, देखिए लद्दाख जास्कर के बीच में, तो लद्दाख जास्कर के बीच में बहती है। और इसी के बगल में जो सिटी है वो कौन से पे, लेह है, कौन से पे, लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताने से पहले आपको कुछ बता दूं कि अभी भारत ने ना सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। अभी आपको शायद मुश्किल से मैंने 5-6 दिन पहले बताया था कि यहाँ पे इंडिया के अंदर अभी बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जो एस्टैब्लिश किया गया है, कहाँ पे, तेलंगाना के रामागुंडम में, और भारत का और साथ साथ में विश्व का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो बनाया जा रहा है कहाँ पे, ओमकारेश्वर डैम के पास में। ओमकारेश्वर डैम पड़ता है मेरे साथियों खंडवा जिले में, और खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर, और किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको पिछले क्लासेस में यहाँ पे कवर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर कि कल 7 अप्रैल 2021 को यहाँ पे किस देश के रक्षा मंत्री हैं जो बायलैटरल टॉक के लिए भारत में आए हैं। इसका सही आंसर पे कजाकिस्तान, यस। तो आपको बता दूं कि अभी कजाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मेरे साथियों, जिनका नाम है नूरलाल यर्मकेबायेव, तो वो अभी यहाँ पे वर्तमान में भारत आए हैं बायलैटरल टॉक के लिए, ताकि भारत और कजाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा सुधर सके और ज्यादा मधुर हो सके। कजाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट देश है। देखिए तो सेंट्रल ईस्ट एशिया की हम जब बात करते हैं, मिडिल एशिया की बात करें सेंट्रल एशिया, तो वहां का बहुत ही फेमस देश है अस्ताना, इसकी कैपिटल है। आपको बता दूं कि कजाकिस्तान है, ये बहुत सारे देशों के साथ में घिरा हुआ है। आप देख पाएंगे कि कजाकिस्तान के साथ ही एक यहाँ पे बाउंड्री बन रही है कैस्पियन सी की, जो विश्व की सबसे बड़ी झील भी है और एक खारे पानी की झील है मेरे साथियों, ये सॉल्टी वाटर लेक है कैस्पियन सी। आप देख पाएंगे यहाँ पे जो कजाकिस्तान है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक सी है जिसका नाम है एरल सी, और एरल सी यहाँ पे तेज गति से खत्म होता हुआ सागर भी है। कजाकिस्तान के अंदर एक झील और पड़ती है जिसका नाम है लेक बलकाश। तो ये तीनों की तीनों झीलें देखिए कजाकिस्तान के क्षेत्र में आती हैं, जिसमें कैस्पियन सी और अरल सी बाउंड्री मेकिंग करती है। वहीं पर जो लेक बलकाश है पूर्ण रूप से कहां पर है, कजाकिस्तान के अंदर है। आप देख पाएंगे जो यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, और विश्व की सबसे बड़ी झील भी है जिसका नाम है कैस्पियन सी, ये कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पे ईरान के साथ बाउंड्री को शेयर कर रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएएस की प्रीलिम्स में तो ये क्वेश्चन आ जाने कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए अरल सी, आप देख पाएंगे कि जो अरल सी है, जो यहाँ पे कजाकिस्तान और कहीं ना कहीं देखिए उज्बेकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं क्या पूरा का पूरा, देखिए तो यहाँ पे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री शरप हो रही है अरल सी की, अरल सी अब कहीं ना देखो बहुत तेज गति से खत्म हो चुकी है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं और बहुत सारे मेन रीजन्स भी हैं, क्लाइमेट कंडीशंस भी चेंजेस हुई हैं, उन कारण से अरल सी का जो पानी भी खत्म हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फोर्ब्स ने अरबपतियों की एक नई सूची जारी की, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है। देखो इस कोविड सिचुएशन के अंदर भी और लॉकडाउन के कारण भी, लेकिन भारत में अरबपति तो बहुत बने हैं, और इस कंडीशन में इस सूची में भारत आया है 3rd स्थान पर, यस। तो फोर्ब्स ने अपनी यहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें इंडिया हमें 3rd पोजिशन में है इन द टर्म्स ऑफ बिलियनियर्स। और आपको बता दो कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं 10वें स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बिलियनर्स कहाँ पर है, यूएसए में है 724, यहाँ पे फिर हम बात करते हैं चाइना में 698 और इंडिया में है 140, फिर यहाँ पे रशिया, देखिए यहाँ पे जर्मनी भी है, रशिया भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। तो आपको बता दो कि सबसे ज्यादा जो पैसा है, धन व्यक्ति, नो डाउट वो है पे जेफ बेजोस के पास में, अमेजन जो हमेशा रहते ही रहता है, एलन मस्क थोड़ा डाउन हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मुकेश अंबानी को मिला है यहाँ पे 10वां स्थान। आपको बता दो कि यहाँ पे मुकेश अंबानी के बाद में गौतम अडानी जी हैं जो यहाँ पे इस सूची में शामिल किए गए हैं 27वें स्थान पर, आई थिंक। चलो तो फोर्ब्स की बात करते हैं, अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है जो यहाँ पे स्टीव फोर्ब्स के द्वारा एडिटर इन चीफ है, और इसे September 15, 1970 में पहली बार यहाँ पे पब्लिश किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यहाँ पे उच्च संयुक्त आयोग की बैठक की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हाई जॉइंट कमिश्नर की बैठक हुई है भारत के किस देश के साथ में। इसका सही आंसर है बहरीन, यस।
तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि बहरीन के साथ में हाई लेवल जो ज्वाइंट मीटिंग है वो की गई है। आपको बता दो कि इसमें बहरीन के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जिनका नाम है अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल जयानी, वो भारत आए हैं और भारत में वाइस प्रेसिडेंट से और यहाँ पे भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। बहरीन कहाँ पर, पहले आप देख लीजिए, ये जो फारस की खाड़ी है पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ के अंदर एक आइलैंड है, देखिए आइलैंड देश पड़ता है, इसके कोई मेन बाउंड्री नहीं है। तो बहरीन यहाँ पर देखिए पर्शियन गल्फ के अंदर एक आइलैंड है, आप देख पाएंगे कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाली जो जलसंधि का नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर्शियन गल्फ और यहाँ पे ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। अगर हम बात करें यहाँ पे बहरीन के बारे में, तो बहरीन के यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा मनामा, इसकी देखिए कैपिटल है और यहाँ पे बहरीनी दिनार, इसकी यहाँ पे क्या देखिए करेंसी भी है। अब भी आपको पता होगा कि भारतीय नौसेना ने और यहाँ पे बहरीन के जो रॉयल नेवी फोर्स है उसके बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज की गई थी जिसका नाम है संकल्प, आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कई बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने 140 एकड़ जो लैंड है वो अलॉट की है किस ई कॉमर्स कंपनी को, तो ये अलॉट की गई यहाँ पे फ्लिपकार्ट को मेरे साथियों, किस यहाँ पे फ्लिपकार्ट को, यस आप देख पाएंगे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 140 एकड़ जो लैंड है वो फ्लिपकार्ट को यहाँ पे दे दी है, फुलफिलमेंट कर दी है, टू सेटिंग अप इट्स लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन एशिया, तो इनके जो भी यहाँ पे गोडाउन होते होंगे या फिर जो भी इनका सेंटर बनता है फुलफिलमेंट का वो यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए, और ये कहाँ पे एस्टैब्लिश की जा रही है, ये की जा रही है पाटली हाजीपुर में गुजरात गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। चलो फ्लिपकार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लिपकार्ट की हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो देखिए अक्टूबर 2007 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था बेंगलुरु के अंदर, ये ई कॉमर्स कंपनी है, और आपको बता दूं कि 2018-19 के अंदर इसे वॉलमार्ट के द्वारा पे कैप्चर कर लिया गया, सचिन बंसल और बिनी बंसल इसके फाउंडर्स थे और कल्याण कृष्णमूर्ति अभी यहाँ पे वर्तमान में CEO है। अगर हम बात करें हरियाणा की जहां पे ये लैंड में इन्हें अलॉट किया गया है, तो आप जानते हैं कि हरियाणा यहां पे देखिए सत्यदेव जो नारायण आर्या जी हैं वो गवर्नर हैं और मनोहर लाल खट्टर जी की चीफ मिनिस्टर हैं, और 1 नवंबर 1966 को इसे नया राज्य बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली वो कौन से क्रिकेटर है जिन्हें अपॉइंट किया गया है स्पोर्ट एक्सचेंज के द्वारा एज अ ब्रांड एम्बेसडर, और ये चुना गया मेरे साथियों पृथ्वी शॉ को। वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों कि पृथ्वी शॉ यहाँ पे उभरते हुए नए खिलाड़ी है जिनका कंपैरिजन यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के साथ में किया जा रहा है कि भविष्य के यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ये बन सकते हैं पृथ्वी शॉ जी। इन्हें यहाँ पे देखिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया यहाँ पे किसका, यहाँ पे स्पोर्ट एक्सचेंज का, जिसके यहाँ पे फाउंडर और CEO यहाँ पे मिस्टर हरि नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है यहाँ पे कौन सी स्कीम जिसे प्रमोशन किया जाएगा पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना बनाई है, तो इसका सही आंसर है मेरे साथियों पे PLI स्कीम, यस आप देख पाएंगे कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया पे PLI स्कीम को, और जिससे भारत में एयर कंडीशनर और यहाँ पे LED लाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे विश्व स्तर पर बढ़ावा मिलने वाला है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑफिशियल ट्वीट है जो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा आप देख पाएंगे यहाँ पे कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया पे PLI स्कीम, जिसके अंदर नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर जो मॉड्यूल्स हैं उन पे फोकस करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एयर कंडीशनर आप जानते हैं कि इसे तो खैर कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, सबके घर में आजकल लगा हुआ भी है नो डाउट। तो यहाँ पे जो मुख्यतः यूज़ की जाने वाली गैस है मेरे साथी वो फ्रियोन है। देखिए आपको बता दो फ्रियोन गैस यूज़ करते हैं, CFC मिलती है नो डाउट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलता है, लेकिन इसमें जो मेन ठंडक मिलती है वो किससे मिलती है, फ्रियोन से मिलती है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने वन डे एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली देखे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली यहाँ पे पद्मश्री से सम्मानित किस यहाँ पे एकेडमिशियन एक शिक्षाविद हैं जिनका निधन हो गया है अभी हाल ही में, तो यहाँ पे हैं डॉक्टर फातिमा जकारिया, यस आप देख पाएंगे कि जो फातिमा जकारिया है उनका हाल ही में निधन हुआ है, जर्नलिस्ट थी और पद्मश्री अवार्ड भी थी, महाराष्ट्र का देहांत हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे केंद्रीय कृषि मंत्री ने इनमें से कौन सा पोर्टल है जो जारी किया है, तो मेरे साथियों यहाँ पे केंद्रीय कृषि मंत्री जी है नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप जानते हैं कि बारे में काफी चर्चा में रहे हैं कृषि बिल को लेके भी, तो इन्होंने यहाँ पे पोर्टल जारी किया है मधु क्रांति पोर्टल, यस आप देख पाएंगे कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने जारी किया है मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर्स। आपको बता दूं कि यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल बी बोर्ड के द्वारा, जिसमें मधुमक्खियों के उत्पादन और उनसे होने वाले फायदे को बढ़ाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मधुमक्खियों का जो उत्पादन है मेरे साथियों और उनसे यहाँ पे जितना भी उद्योग चल रहा है इसे नाम दिया है जिसे बोलते हैं एपिकल्चर, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए
आपको बता दूं कि हम जब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में, तो 1947 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था और ये यहाँ पे काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अधीन में। नरेंद्र सिंह तोमर जी इसके वर्तमान में यहाँ पे मुख्य उसके मुख्य हेड हैं, इसके यहाँ पे लीडर भी हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल है, आप इसका आंसर मुझे फटाफट से दे सकते हैं। वो ये है कि भी हाल ही में वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या राजस्थान। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे साथियों, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए साथियों ये था आज का हमारा 8 तारीख का करंट अफेयर्स, हम कल मिलेंगे, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी कभी डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने प्ले स्टोर से, जहां पे आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। और साथियों एसएससी के सब्सक्रिप्शन में ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड, दैट इज एचटी10 एंड सेव मनी।